खुशामदीद अली साहब। शुक्रिया। क्या सिचुएशन है? उन्होंने सबका बयान ले लिया है, लेकिन उनके मुताबिक जाकिर साहब, अब्बास और तीन और बंदे मजीद तफ्तीश पे जाएंगे। उफ, ठीक है, मैं देख लूंगा। जब्बार, तुम सिरमा और जोरा को लेकर घर जाओ। जी ठीक है। चलो अब पापा के पास चलते हैं। हम दादा। हाँ घर चलो। आप क्या किया है तुमने? कुछ नहीं किया मैंने, बस सिर्फ किसी की गंदगी साफ कर रहा था, ये पकड़ कर लिया है मुझे। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी बताओ ताकि मैं वकील कर सकूं और तुम्हें यहां से बाहर निकालूं। बाबा, सिरमा की एक नाजायज बेटी है। ये क्या कह रहा हूँ, सिरमा की नाजायज बेटी? इतने सालों से छुपा के रखा हमसे। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि तुम ये ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या तुम्हें यकीन है? हाँ बिल्कुल, मैं खुद मिला उससे, किसी और ने अडॉप्ट किया हुआ है उसे। जानते हैं किसने अडॉप्ट किया उसे? आपका वो पार्टनर नजमी साहब। उसका बाप कौन है? वो ही जमाल। कहाँ है वो? उसे तो मैंने बहुत पहले मार दिया था, सिरमा के सामने मारा था उसे। सईद और आदिल को भी खत्म करने लगा था, लेकिन उसी वक्त सईद ने सारा खेल बर्बाद करके रख दिया। मतलब एक बहुत जख्मी हालत में है? हाँ नजमी जख्मी है, अपनी सौतेली औलाद को बचाने के लिए सामने आ गया। उन्होंने कहा बहुत मजमा था, ये भी सुना कि बहुत मुश्किल हुई थी उन्हें। हाँ हुई होगी। चलो खैर, फिक्र मत करो, मैं देख लूंगा सब, वकील को काम पर लगाता हूँ, तुम्हें बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक जख्मी लोग ठीक नहीं होते तुम्हें यहीं रुकना होगा जाकिर, लेकिन तुम्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। बाबा ये बताएं कि आप मुझ जैसे नाफरमान बेटे को क्यों बचा रहे? मैं अपनी फैमिली को किसी और के हाथों खत्म होते नहीं देख सकता। हाँ जब यहाँ से निकल कर घर आओगे तो मैं खुद सर फाड़ूंगा तुम्हारा, लेकिन यहाँ नहीं होने दूंगा कुछ। बाबा जोरा भी वही है। पता है मुझे।